गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? तो ठीक, बहुत बढ़िया। आज हम शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर, जिसका बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, नॉलेजफुल चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है, बहुत बढ़िया ढंग से हम इसको समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट इसके हम समझेंगे। और आई थिंक आपको ये बहुत बढ़िया लगेगा, एक एक जब चीज़ों के बारे में हम समझना शुरू करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखिए क्लास नाइन्थ, ओके क्लास नाइन्थ, ओके चैप्टर जो है आपका उसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। जियोग्राफी का चैप्टर है ये, ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी चैप्टर नंबर वन, ठीक है, चैप्टर वन है ये, इंडिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, लोकेशन, ये देखिए इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो कि हमारा खुद का कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देखा जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको तैयार किया था, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है ये। और मैं ये कहूँ कि बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के अलग अलग नाम लिखे, नाम बताए, जैसे कि बाबर के बारे में उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया, और अलबेरूनी, मिनाज शिराज, ऐसे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इंडिया के लिए अलग अलग नाम का यूज़ किया, अलग अलग टाइम में यूज़ किया। ओके, तो हमें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की साइज एंड लोकेशन को समझना है, ठीक है। इसमें हमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स और नियर बाई सराउंडिंग सर्कल में जो जो कंट्रीज हैं उनके बारे में समझना है, मतलब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है, टारगेट क्या है, इंडिया के लैटिट्यूड, ठीक है, इंडिया के लैटिट्यूड समझना, ठीक है, लैटिट्यूड, ओके, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड समझना यहाँ हमारे इंडिया के, ठीक है, ओके, इंडिया के सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है, एंड, ठीक है, नेबर कंट्रीज, और नेबर कंट्रीज़ के बारे में भी हमें समझना है उनके बारे में। और इसके अलावा इंडिया का जो एक्चुअल साइज है, इंडिया का जो एक्चुअल साइज है उसके बारे में भी हमें समझना है, और ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ये सारे टॉपिक हमारे इस लेसन के समझने से रिलेटेड है कि इंडिया के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नेबर कंट्रीज, इन सब के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इंडिया का ये शुरू करें, उससे पहले आपको इंडिया का एक मैप बना लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए इंडिया का एक मैप हम यहाँ रेडी कर लेते हैं, और इंडिया के इस मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इंडिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, इंडिया की मोस्टली सभी चीज़ें हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ओके, ये देखिए इंडिया का ये एक मैप है हमारे पास, ठीक है, और इस मैप के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ें इंडिया की जो है क्लियर समझ सकते हैं। ये देखिए ये इंडिया का जो यहाँ से थार डेजर्ट एरिया शुरू हो जाता है, और थार डेजर्टिक एरिया उसके बाद में आप देखोगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये थार डेजर्टिक एरिया, उसके बाद ये जो है आपका गुजरात वाला एरिया है ये, ठीक है, ये देखिए गुजरात वाला एरिया है, ओके, ये देखिए गुजरात वाला एरिया है, ओके, यहाँ ये सेवन सिस्टर एरिया आप देख सकते हैं, सेवन सिस्टर एरिया आपके यहाँ लगभग इस तरह से बने हुए हैं, और ये आपका मेघालय वाला पार्ट यहाँ आ जाता है, ओके, और मेघालय के बाद में ये बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ इस तरह से बनता हुआ आपके इंडिया का, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से फिर जम्मू, ये जो आपका गुजरात है, गुजरात से फिर इंडिया साउथ की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है, ये देखिए ये नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, ओके, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ, ओके, इस तरह से नीचे बढ़ते हुए, और फिर तमिलनाडु एरिया, और ये इंडिया, ठीक है। इस तरह के इस मैप में हम
इंडिया की लोकेशंस के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नीचे की तरफ फिर आपको बताइए कि ये वाला पार्ट जो है वो साउथ में श्रीलंका का पार्ट होता है, जो कि अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल एरिया, बे ऑफ बंगाल ये एरिया यहाँ बहुत ही फेमस एरिया है। ये आपका एरिया अरेबियन सी एरिया है, अरेबियन सी एरिया है। इंडिया के अगर सराउंडिंग सर्कल की बात करें तो ये इधर की साइड बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार, फिर यहीं से बे ऑफ बंगाल में, यहीं से अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में शुरू हो जाते हैं कुछ इस ढंग से, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ही पॉइंट शुरू हो जाते हैं अंडमान, ठीक है, और ये नीचे वाला निकोबार, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार एरिया ये शुरू हो जाता है। ओके, और इधर की साइड में केरला के पास ही लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ है छोटे छोटे, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स ये यहाँ पाए जाते हैं। ओके, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे, इसको हम समझ सकते हैं। ओके, और नियर बाई सराउंडिंग सर्कल में और कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर की तरफ यहाँ से नेपाल बॉर्डर यहाँ तक शुरू हो जाता है, ये नेपाल है ये आपको पहले ही पता है, और फिर ये वाला तिब्बत का पार्ट है तिब्बत, और फिर यहाँ से चाइना पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान का एरिया आता है पाकिस्तान, और फिर उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान एरिया शुरू हो जाता है। तो ये चारों तरफ इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि लगभग 7 तो हमारी बाउंड्री से लगे हुए कंट्री हैं, और एक कंट्री ऐसा है जो हमारी बाउंड्री से लगा हुआ नहीं है, श्रीलंका, मतलब कि लैंड बाउंड्री से टच करते हुए 7 कंट्रीज, जिसमें यहाँ एक बांग्लादेश भी आता है, बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश, ये कंट्री यहाँ पर है बांग्लादेश, और चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। ओके, तो कौन कौन से कंट्री जो नियर अबाउट सारे हैं और उनके बारे में हम बारी बारी जानेंगे कि कितनी बाउंड्री है, किसकी कितना एरिया है, किसका कितना एरिया है और कितना उसका लोकेशन है, वो सब देखना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड लाइंस वो लाइन होती है जो कि अर्थ के अलग अलग लोकेशन को समझने के लिए हेल्प करती है हमारी, है ना, हेल्प करती है, और वो काफ़ी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होती है और काफ़ी बढ़िया होती है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अब इंडिया की बात करें तो इंडिया अर्थ पे 2.42% अर्थ पे है, तो उसका बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, ओके, देखिए तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में बात हम कर रहे थे। तो लैटिट्यूड लाइंस जो अर्थ के ऊपर हैं, और मतलब अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी लाइंस हैं, और इंडिया उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर सेटअप है, कैसा कितना एरिया है, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ एक अर्थ का मैप बना लेते हैं, और अर्थ के मैप के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये 0 डिग्री लाइन इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है, इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर, ओके, इक्वेटर लाइन होती है, और इसके ऊपर की तरफ यहाँ और नीचे की तरफ यहाँ दो लाइनें 23 एंड हाफ, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, एक को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर लाइन, ओके, दूसरी लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हमने पहले भी पढ़े थे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ओके, कैप्रिकॉन दो लाइनें होती है, एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जो लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ की तरफ जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है। ओके, तो देखिए इतने एरिए में, सारे में, इतने एरिए में जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, इतना इतना एरिया, ये सारा सारा ट्रॉपिकल जोन एरिया है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन एरिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सारा का सारा क्या है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल या फिर टोरिड जोन, या फिर इसको टोरिड जोन भी आप कह सकते हैं, टोरिड जोन एरिया। ओके, ये बहुत ही हॉट एरिया होता है, बहुत ही गर्म एरिया होता है, और यहाँ पर इंडिया का हाफ पार्ट लाइज करता है, हाफ पार्ट। ओके, उसके बाद में ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये 66.5 लाइन है, और ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, इसको हम
जो है नॉर्थ पोल सर्कल भी कहेंगे, नॉर्थ पोल सर्कल, ये देखिए नॉर्थ पोल सर्कल इसको कहेंगे। इसी तरह साउथ की तरफ भी 66.5 पे साउथ पोल सर्कल होता है, ये देखिए साउथ पोल सर्कल होता है, ये देखिए 66.5 पर साउथ की तरफ भी साउथ पोल सर्कल होता है। तो ये वाला जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सारा टेम्परेट जोन एरिया है। ये क्या है? टेम्परेट जोन। ये टोरिड जोन एरिया था जो मैंने बताया, ठीक है। ये देखिए टोरिड जोन एरिया, मतलब कि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है हॉट वेदर मिलने की पूरी पूरी कंडीशंस होती हैं, पूरा पूरा एरिया हॉट वेदर का एरिया होता है। ओके ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेम्परेट जोन एरिया है, ठीक है। मतलब कि टेम्परेट जोन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप की कंडीशंस वहाँ मिलती है। ये देखिए इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन एरिया। और ये भी पूरा आपका क्या बन जाता है फिर? टेम्परेट जोन एरिया, टेम्परेट जोन एरिया। ओके, ये देखिए टेम्परेट जोन में हमेशा हॉट एंड कोल्ड कंडीशन होती है और टोरिड जोन में हमेशा हॉट कंडीशन होती है। और बाद में जो बच जाता है एरिया, वो एरिया आपका आप देख पा रहे हैं ये सारा एरिया, इसको फ्रिज जोन एरिया हम कहते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है ये फ्रिज जोन एरिया है। ये देखिए यहाँ पर भी ये फ्रिज जोन एरिया साउथ पोल की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये साउथ पोल, साउथ पोल, और ये है फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन। ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, अगर ये हमें पता नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप इंडिया की लोकेशन अर्थ पे बना नहीं पाओगे, ना लॉन्गिट्यूड समझ पाओगे, ना लैटिट्यूड समझ पाओगे, ठीक है। तो ये फ्रिज्ड जोन एरिया हो गया 90 डिग्री एंगल, और ये भी 90 डिग्री एंगल, और इसको भी हम क्या कहेंगे? फ्रिज्ड जोन एरिया, फ्रिज्ड जोन एरिया, ठीक है, फ्रिज्ड जोन एरिया। ये देखिए यहाँ पर बर्फ जमी होती है, इसको कहते हैं आर्कटिक, आर्कटिक एरिया, आर्कटिक एरिया। और ये है आपका एंटार्कटिक, एंटार्कटिक एरिया, ठीक है। एक बार दोबारा देखो इन सारी चीजों को, एक बार दोबारा देखो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो हमें इंडिया के लेसन समझना है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया के बारे में साइज लेने से पहले, लोकेशन लेने से पहले हमें थोड़ा सा उसका मैप तैयार किया हमने। मैप तैयार में करने में हमें इंडिया का एक मैप बनाया, ऊपर कश्मीर बनाया, इधर सेवन सिस्टर्स, और आसपास की कंट्रीज हमने दिखाए। साउथ में श्रीलंका, ये देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका हमने दिखाया। ओके, और श्रीलंका के साथ ही फिर हमने अदर कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चाइना, और उसके अलावा फिर बांग्लादेश, और यहाँ पर आपका म्यांमार, यहाँ पर क्या दिखाया हमने? म्यांमार। ओके, ये म्यांमार कंट्री हो गया, और फिर साउथ की तरफ बांग्लादेश, और ये हो गया श्रीलंका, और यहाँ है ये भूटान, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? भूटान। ये देखिए भूटान, अगर हम देखें तो यहाँ जो ये नेपाल आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी बाउंड्री में नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ये बांग्लादेश, ये भी हमारी बाउंड्री पे नहीं है, ये भूटान बिल्कुल अलग है। ओके, ये देखिए भूटान बिल्कुल अलग है, और पाकिस्तान, ये सब हमारे कंट्री नहीं है, अलग है। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि भाई लैटिट्यूड समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड लाइन समझनी पड़ेगी। तो पूरी अर्थ पे टोटल लैटिट्यूड लाइन होती है वो 181 होती है। जैसे कि एक लाइन तो ये इक्वेटर लाइन होती है, ये वन लाइन हो गई, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड कितनी होती है? टोटल जो लैटिट्यूड होती है, टोटल लैटिट्यूड, ठीक है, वो कितनी होती है? 181 लाइंस, ठीक है, 181 लाइंस होती हैं। ओके, और टोटल लॉन्गिट्यूड जो होती है, टोटल लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो होती हैं वो 360 लाइंस होती है, 360 लाइंस होती हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको, लैटिट्यूड लाइन जो यहां देख पा रहे हैं वो छोटी बड़ी हो सकती है, वो साइज में वेरिएशन उनका होता है, छोटी बड़ी हो जाती है। इक्वेटर लाइन की जो लैटिट्यूड होती है वो सबसे लंबी लाइन होती है, ये देखिए ये सबसे लंबी लाइन होती है, बहुत ही लंबाई पर होती है ये, काफी मतलब सारी लैटिट्यूड से सबसे बड़ी होती है ये। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो बनेगी वो शॉर्ट होती है, वो उतनी बड़ी नहीं होती जितने की ये होती है। ओके, अब उसके बाद बात करें
भाई इसके कौन कौन से एंगल है वो हमने एंगल देखे, इक्वेटर लाइन का एंगल है, जीरो डिग्री एंगल है, 23.5 का यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन का एंगल है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ओके। और फिर ये वाला जो साउथ, ये वाला जो पार्ट था साउथ की तरफ, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, ये भी हमने देखा है ना, ये भी हमने देखा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एंटार्क्टिका और आर्कटिक एरिया, ये भी हमने देखा, ओके। तो ये सारे लैटिट्यूड है, मतलब टोटल मिलाकर 90 इधर से इधर साउथ की तरफ लैटिट्यूड लाइन, और इधर से इक्वेटर से 90 ऊपर की तरफ, तो टोटल मिलाकर 90 प्लस 90 180 हो जाते हैं, और एक इक्वेटर लाइन, तो टोटल मिलाकर 90 प्लस 90 कितने हो जाते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितने टोटल हो जाएंगे हमारे 181 लाइंस, तो इसीलिए हम इसको 181 लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, ओके। उसके बाद देखिए अब लोंगिट्यूड की बात करते हैं, तो लोंगिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इक्वल सर्कल बनते हुए, लैटिट्यूड में इक्वल सर्कल नहीं बनते लेकिन लोंगिट्यूड में इक्वल सर्कल बनते हुए अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ, ठीक है, जो लाइन बनती है वो लोंगिट्यूड लाइन, जिसको 180 लाइंस एक तरफ हो जाएंगी, दूसरी 180 एक तरफ हो जाएंगी, टोटल मिलाकर 360 हो जाएंगी, और वो कुछ इस ढंग से बनती हुई नजर आएंगी। यहां से जैसे ये वाला एरिया हो गया हमारा, ये वाला एरिया हो गया, तो इस वाले एरिया से वो नीचे की तरफ बनती हुई ऐसे नजर आएंगी, और वो टोटल इस लाइन से इधर की तरफ 180, देखिए इस लाइन से इधर की तरफ 180 लाइन बनेंगी, और इस लाइन से फिर इधर की तरफ 180 लाइंस बनती हुई नजर आएंगी। ये देखिए इधर से इधर 180 और इधर से इधर 180 लाइंस बनती हुई नजर आएंगी, ऐसे ऐसे ये 180 लाइन बनती हुई नजर आएंगी, ओके। तो 360 का मतलब कि 180 प्लस 180, तो ये दोनों ही लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। अब समझना ये है हमें कि भाई अर्थ की इन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का इंडिया से क्या रिलेशन है, ये इंडिया में कैसे अप्लाई होगी। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो अर्थ की लोकेशन पे है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड में है। देखो ये इतना इतना पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इतना इतना पार्ट, ये सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एरिया है। कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहली बात तो यही समझ के चलो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एरिया है, ओके। और ये वाला कौन सा पार्ट है? ये सारा का सारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर एरिया है, ये देखो साउदर्न हेमिस्फीयर एरिया है ये, ओके। ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न दो प्रकार के हेमिस्फीयर होते हैं, और हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वो भी ईस्टर्न साइड में है, अर्थ की ईस्टर्न वाली साइड में, मतलब इस वाले पार्ट में इधर है। ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये हाफ हाफ पार्ट जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, यहां पर इसका लोकेशन है, और आधा इंडिया ऊपर की तरफ यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बना हुआ है, ओके। और लगभग लगभग इंडिया के बीचों बीच ये वाली जो है लाइन क्रॉस करती है, ये देखिए यहां मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये लाइन यहां पर क्रॉस करती है, इंडिया इस जगह पर ऐसे, ये जम्मू कश्मीर, और फिर उसके बाद में नीचे ये गुजरात, सॉरी उसके बाद यहाँ सेवन सिस्टर एरिया, ओके, ये देखिए ऐसे, और फिर ये गुजरात, गुजरात का एरिया ऐसे, ठीक है गुजरात, और उसके बाद साउथ में ऐसे आपका इतना एरिया पड़ जाता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये देखिए ऐसे एरिया पड़ जाता है। तो ये सारा का सारा आपका इंडिया अर्थ पे है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया अर्थ पे है ऐसे, ये देखिए ऐसे है ये, ओके, मतलब कि इतनी लोकेशन में यहाँ पर है। ये देखिए ये सेवन सिस्टर एरिया हो गया, ये यहाँ पर है बिल्कुल ऐसे, ओके, ये देखिए ये ऐसे है इतना इतना, ये देखिए, ठीक है। तो ये इंडिया अर्थ पे है, और इसकी 2.4% इसकी टोटल परसेंटेज है अर्थ के ऊपर, ओके। टोटल एरिया ठीक है ऑन अर्थ, ठीक है, इंडिया का टोटल एरिया अर्थ पे कितना है? 2.42%, ठीक है, 2.42% हमने वो दिखा दिया आपको, इतना है, ओके। और अब बात आती है कि भाई कितनी लॉन्गिट्यूड कितनी लैटिट्यूड इसके क्रॉस करती है। देखो आप देख पा रहे हैं इंडिया की इस साइड से ये लैटिट्यूड क्रॉस कर रही है, ये देखो यहां पर ये लैटिट्यूड क्रॉस कर रही है, और यहां पर भी एक लैटिट्यूड क्रॉस कर रही है, देखिए ये लैटिट्यूड क्रॉस कर रही है, और यहां पर ये देखिए ये
जो है लैटिट्यूड लाइन क्रॉस कर रही है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे। ये देखिए इस तरह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस कर रही है इंडिया को, यहाँ भी क्रॉस कर रही है, यहाँ भी क्रॉस कर रही है और यहाँ भी क्रॉस कर रही है। ये लाइनें जो इंडिया को इधर उधर क्रॉस कर रही हैं उसको हम इमेजिनरी लाइन्स को हम स्टडी करेंगे, उन लाइन्स को हम स्टडी करेंगे बारी बारी। ये कितना है तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है जहाँ के बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है, यहाँ पर जो श्रीलंका शुरू हो जाता है वो 8 degrees और 4 minutes है। यहाँ ये वाला जो कन्याकुमारी पॉइंट है 8 degrees और 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड, ये कौन सा होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। ये देखिए 8 degrees और 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ऊपर वाला जो यहां पर जो पॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं कन्याकुमारी पॉइंट। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, इसको हम कन्याकुमारी पॉइंट कहते हैं। ओके, और ये वाला जो बनता है 37 degrees और 6 minutes पे, ठीक है, इसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल, ये है इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा कोल पॉइंट। ओके, और ये कहां पर बनता है, जम्मू कश्मीर में, जे एंड के, ठीक है, वहां पर बनता है ये। ओके, अब तो लद्दाख में बनेगा, अब तो ये लद्दाख में बनेगा। ओके, अब देखिए ये लद्दाख, लद्दाख पॉइंट बनेगा, इंदिरा कोल, ठीक है, इसको इंदिरा कोल कहते हैं हम, ठीक है। तो ये दो हिस्से हो गए। अच्छा, लैटिट्यूड कितने से कितने है, 8 degrees 4 minutes से लेकर और 37 degrees, यानी कि अगर टोटल लैटिट्यूड लाइन इंडिया में से क्रॉस करेगी तो कितनी क्रॉस करेगी, वो कितनी क्रॉस करेगी, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो इंडिया में से मान लीजिए 37 डिग्री यहां है, तो इंडिया की मान लीजिए इंडिया की टोटल लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया में से 37 degrees और 6 minutes है, माइनस करें 8 degrees और 4 minutes को तो टोटल आएगा 29 degrees और 2 minutes का आंसर आएगा। मतलब कि इंडिया में 29.2 minutes लैटिट्यूड टोटल लाइन होती है, इसको अप्रोक्सीमेट 30 मानेंगे हम, यानी कि अगर 37 डिग्री जो लास्ट लैटिट्यूड है हमारा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है, नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको नॉर्थ लैटिट्यूड ही कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये देखिए इसको नॉर्थ लैटिट्यूड पॉइंट कहेंगे, और ये साउथ में इंदिरा कन्याकुमारी पॉइंट होने के बाद भी, साउथ लोकेशन होने के बाद भी इसको फिर भी हम नॉर्थ लैटिट्यूड ही कहेंगे। इसका रीजन ये है कि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जब तक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है आप इसको साउथ लैटिट्यूड नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जरूरी चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल लैटिट्यूड कितनी होगी, 29, यानी कि यहां से लेके और इंडिया में इतनी लैटिट्यूड लाइन क्रॉस करती है। आप देख सकते हैं इस तरह से लैटिट्यूड लाइन क्रॉस करती है, इस तरह से और इस तरह से क्रॉस करती हुई लैटिट्यूड लाइन, ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन आप देखोगे इसको कहते हैं 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक है, ये कैंसर लाइन है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये देखिए, तो ये इंडिया के इन 8 राज्यों को क्रॉस करती है, ये इंडिया के जो है 7-8 राज्यों को क्रॉस करती हुई निकलती है, जिसमें कुछ राजस्थान का पार्ट हो जाता है, कुछ गुजरात हो जाता है। इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ऊपर वाला इंडिया टेम्परेट में चला जाता है, टेम्परेट जोन, और नीचे वाला इंडिया फिर टोरिड जोन में चला जाता है। इस तरह से लाइनें क्रॉस करती हैं, ठीक है, इस तरह से लाइनें क्रॉस करती है, ये कैंसर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इंडिया के बीचों बीच 30 लाइन, कितनी लाइन क्रॉस करती है, 30 लैटिट्यूड लाइन क्रॉस करती है, क्योंकि हमने माइनस करके देखा था तो माइनस में हमें 37 डिग्री में से जब हमने 8 डिग्री निकाल दिया, माइनस किया, तो 29 पॉइंट बचे थे हमारे पास। तो अगर 29 पॉइंट बचे हैं तो डेफिनेटली फिर ये 30 लाइन अप्रोक्सीमेट इसकी मान लेंगे, यानी कि 30 लैटिट्यूड लाइन इंडिया को क्रॉस करती है। ओके, बात यहां कंप्लीट हुई। उसके बाद में ये वाला पॉइंट जो है यहां से, क्योंकि अब लॉन्गिट्यूड लाइन भी देखनी पड़ेगी हमें, इस लाइन पर 8 राज्य 8 स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर, एक यहां पर गुजरात, जी फॉर गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, फिर एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में फिर जो झारखंड के बाद में फिर 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में उड़ीसा एरिया, वेस्ट बंगाल 6, ठीक है, और उसके बाद त्रिपुरा और, ठीक है, ये देखो त्रिपुरा और मिजोरम,
ये त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। दोबारा देखो कौन कौन से राज्य, गुजरात, गुजरात को क्रॉस किया, गुजरात के बाद राजस्थान क्रॉस किया, एमपी क्रॉस किया, छत्तीसगढ़ क्रॉस किया, झारखंड क्रॉस किया, वेस्ट बंगाल क्रॉस किया, झारखंड के बाद उड़ीसा, झारखंड के बाद, ठीक है, झारखंड के बाद फिर आगे वेस्ट बंगाल क्रॉस किया, वेस्ट बंगाल के बाद में फिर त्रिपुरा और मिजोरम क्रॉस किया। इस तरह से 7-8 राज्यों को क्रॉस करते हुए ये निकलती है, 8 राज्यों को, ओके। और फिर बात आती है इसकी ऊपर से आने वाली लॉन्गिट्यूड लाइंस की, वो भी 30 अप्रोक्सीमेट। जैसे कि इधर वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट 68 डिग्री होता है। ये वाला पॉइंट कितने डिग्री पर होता है, 68 डिग्री। ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, इसको क्या पॉइंट बोलते हैं, ये देखिए, ये 68 डिग्री और 7 मिनट, इसको कहते हैं गुजरात का गौर माता, गौर माता गुजरात, ठीक, गौर माता गुजरात, गुजरात पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहां से लैटिट्यूड लाइनें शुरू हो जाएंगी और इंडिया को ऐसे क्रॉस करती हुई, ऐसे क्रॉस करती हुई आगे बढ़ेंगी। आपको बताइए इंडिया में से 30 लाइन क्रॉस करेंगे ऐसे, इस तरह से 30 लाइन क्रॉस करती हुई आगे निकलेंगी ऐसे, ये देखिए इस तरह से 30 लाइन इंडिया को क्रॉस करेंगी और क्रॉस करते हुए आखिरी में यहां पर ये लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन है ना, ये लास्ट लाइन, और वो लास्ट लाइन जिसका नाम होगा, वो लास्ट लाइन जिसका नाम होगा, ठीक है, ये होगा 97 डिग्री, ये देखिए 97 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है। ये आपका जो अरुणाचल पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश की बीथू, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश की बीथू, ये देखिए किबीथू पॉइंट, ओके, इसको किबीथू पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में देखोगे आप 97 डिग्री और 25 मिनट में से अगर माइनस हम 68 डिग्री और 7 मिनट निकाल देते हैं तो फिर हमें उतना ही 29.18 इतना मिलेगा, हमें 29.18 टोटल लॉन्गिट्यूड मिलेंगी इंडिया की, जिसको अप्रोक्सीमेट 30 लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट 30 लॉन्गिट्यूड ही बोलते हैं। तो इस तरह से इंडिया में से 30 लॉन्गिट्यूड और 30 लैटिट्यूड लाइन क्रॉस करती है और इंडिया को बहुत अच्छी पोजीशन में ले आती है, ओके। अब एक बार इसका समरी दोबारा देख लो, जो अभी तक आपने समझा, मैंने ये बताया कि इंडिया के ऊपर जो इंडिया की जो अर्थ के ऊपर लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड में है और वो 2.42 पर उसका 2.42% है, मतलब कि 2.4% लगभग, 2.42% लगभग है वो, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए लैटिट्यूड इसके नॉर्दर्न ही माने जाएंगे। हमने लैटिट्यूड बताया कि इंडिया का ये साउथ वाला लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ये नॉर्थ वाला यानी कि 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये लद्दाख का पॉइंट है, ये कन्याकुमारी पॉइंट है। फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता गुजरात सौराष्ट्र से शुरू होती है लॉन्गिट्यूड लाइन और लास्ट लाइन होती है 97 डिग्री 25 मिनट लास्ट लाइन होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें मेनली हमें समझनी है, ओके, और ये हम समझ चुके हैं। इसके अलावा जो है टोटल लैटिट्यूड कितने पूरी अर्थ पे 181 होते हैं, क्योंकि एक हमने लॉन्गिट्यूड, एक हमने इक्वेटर को लैटिट्यूड माना और उसके बाद 90 नॉर्थ पोल की तरफ और 90 साउथ पोल की तरफ, 90 प्लस 90 180 होते हैं और एक इक्वेटर लाइन मतलब कि 181 हो गई, ओके। उसके बाद देखिए इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर जो लैटिट्यूड क्रॉस करती है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच में, यानी कि गुजरात के यहाँ से लेकर और यहाँ 97 डिग्री तक टोटल मिलाकर इसका भी एवरेज निकाले तो 29.18 रह जाता है, मतलब कि ये मान के चलो कि यहाँ 29.18 पे इसका डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस मतलब कि फिर टोटल वही लॉन्गिट्यूड लाइन 30 के लगभग हो जाती है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था। अब बात करते हैं इंडिया के चारों तरफ के जो कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन के बारे में और उनके रिलेशंस के बारे में। आई थिंक आपको लैटिट्यूड लाइंस के बारे में और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कितना है और कितना नहीं है वो सब चीज़ें, ओके। और उसके बाद नेबर कंट्री और इसके बीच में आईएसटी टाइमिंग, अब आईएसटी का भी यही देख लो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82 डिग्री और 30 मिनट पे सेट होता है, ओके, 82 डिग्री और 30 मिनट पे सेट होता है, ओके, आईएसटी इंडियन
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो लॉन्गिट्यूड का हाफ रखा जाता है। लॉन्गिट्यूड का हाफ मतलब कि आप देखोगे इधर से लेके और यहां तक इस दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट बनता है, यहां पर ये देखिए मिड पॉइंट बनता है, ये जो टोटल हमारी लॉन्गिट्यूड बनी हुई है इसका जो मिड पॉइंट होता है आपका, वो आईएसटी मान लिया जाता है। यानी कि 97 डिग्री में से अगर आप मिड पॉइंट लेते हो, ठीक है, 30 टोटल लॉन्गिट्यूड है तो 30 का मिड पॉइंट तो 15 होता है, मतलब कि 30 लॉन्गिट्यूड है तो उसका बीच का पॉइंट तो सीधी सी बात है 15 ही बनेगा। तो अगर 97 में से आप 15 हटाते हो, माइनस करते हो, तो भी 82 डिग्री पर आता है। और अगर 68 डिग्री में अगर 15 प्लस करते हो तब भी 82 डिग्री के लगभग आता है। तो इसलिए 82 डिग्री को इंडिया का सेंटर पॉइंट मान लिया गया। और सेंटर पॉइंट मानकर इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी एक जगह पड़ती है, जहां इसका सेंटर पॉइंट मानकर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया। ओके, ये देखिए ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहां से इस जगह से ये बन जाता है। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4-5 राज्यों को क्रॉस करते हुए यहां तैयार हो जाता है टेम्परेट जोन एरिया में, और पूरे इंडिया की जो वॉच है वो यहीं से सेट हो जाती है। ओके बेटा, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। और अब बात करते हैं इंडिया के चारों तरफ के कुछ कंट्रीज के बारे में और उनकी बाउंड्रीज वगैरह, उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया, ये मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको हैंडल किया, देखा है कि कैसे क्या है कैसे नहीं है। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो क्या हैं चारों तरफ और कितनी बाउंड्री उनकी बनती है, उन सब के बारे में। ओके, ठीक है।